वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की पहली हार भारत को चुभेगी जरूर, बिकॉज सामने न्यूजीलैंड की टीम थी और न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला भारत के मुकाबले। भाई कैप्टन वर्सेस कैप्टन भी देखेंगे, एक तरफ हरमनप्रीत कौर थी तो दूसरी तरफ सोफी डिवाइन थी, और डिवाइन ने क्या गजब की बैटिंग की, उन्होंने 57 बनाए और मैन ऑफ द मैच भी रही वो, और मायर्स ने इनफैक्ट 4 विकेट निकाले उनकी जो गेंदबाज थी। और भारतीय टीम की बैटिंग फ्लॉप, फील्डिंग फ्लॉप और शॉकिंग है भारतीय टीम के लिए कि कैसे हार गए आप मैच, और ये जो 58 रनों की करारी हार है, अब सवाल बड़ा है कैसे होगा बेड़ा पार। क्या पाकिस्तान के साथ जो अगला मैच है, अब सवाल आ गए कि कैसे जीतेंगे, बिकॉज पाकिस्तान को वैसे हम कभी छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अब दिक्कत ये है कि भारत जब हार कर आ रहा है यहां से और पाकिस्तान जीत कर आ रहे हैं श्रीलंका से, तो कैसे होगा कॉन्टेस्ट, क्या लगता है आपको दोस्तों? क्या भारतीय टीम का जो सफ़र है आगे का वो कितना मुश्किल और कितना आसान होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो हार है भाई, 58 रनों से हरा दिया पहला मैच में, और भारत के लिए कहीं ना कहीं सोचना होगा भारत की बैटिंग में ज़्यादा सवाल है एज कम्पेयर टू बॉलिंग, बिकॉज बैटिंग में भाई किसी भी गेंद बल्लेबाज ने 20 रन से ऊपर बनाए नहीं है, 20 रनों से कम कम के स्कोर है। और जैसे ही शेफाली वर्मा आउट हुई, मुझे लगा कि यार चलिए नीचे बैटिंग है, हमारे पास बैटिंग है, स्मृति मंधाना भी हैं हमारे पास, भाई हमारे पास देखें तो एक से बढ़कर एक बैट्समैन है, लेकिन सारे के सारे एक के बाद एक आउट होते गए, ताश के पत्तों के जैसे बिखरती गई टीम इंडिया। अगर आप ऊपर से देखें, सबसे पहले शेफाली वर्मा आउट होती हैं, वो सिर्फ 2 रन बना पाई, इसके अलावा हरमनप्रीत की बात करें, हमारी जो कैप्टन है वो सिर्फ 15 रन बना पाई, और साथ ही साथ अगर आप देखें भारत की जो बैटिंग है उसमें हरमनप्रीत कौर 15, जैसे मैंने आपको बताया, स्मृति मंधाना सिर्फ 12 बना पाई, जेमिमा रोड्रिक्स सिर्फ 13 बना पाई, ऋचा घोष 12 बना पाई, दीप्ति शर्मा 13 बना पाई, तो ऐसे कहीं ना कहीं भारत की बैटिंग में बहुत ज़्यादा सवाल हैं। और अगर आप बॉलिंग में देखें तो सिर्फ यहाँ पर रेणुका ठाकुर ने ज़रूर विकेट चटकाए, उन्होंने 2 विकेट लिए, बाकी तो कहीं ना कहीं भाई ज़्यादा बैटिंग पर ही दिक्कत है भारतीय टीम की। तो बैटिंग में अच्छा करना होगा टीम इंडिया को, लेकिन जो न्यूजीलैंड की टीम है भाई, आज वो 19 नहीं थी, आज 21 थी और भारतीय टीम 19 थी। और कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा कि भाई आगे के सफर के लिए भारत को जीतने भी होंगे मैचेस, और अच्छी टीमों से अब जीतने होंगे, क्योंकि भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से भी होगा। ग्रुप ए में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, तो ऐसे में टीम इंडिया की जो ये हार है, ये बहुत करारी हार है, और कहीं ना कहीं भारतीय टीम को इस हार से उभरना होगा, और उसके लिए एक ही गुरु मंत्र है दोस्त, वो है बैटिंग। अगर आप बैटिंग अच्छा करेंगे तो आप आने वाले मैचेस में जीत सकते हैं मुकाबले, और खासकर टॉप ऑर्डर को, भारतीय टॉप ऑर्डर आपकी दिक्कत है, यही आपकी ताकत है, यही आपकी कमजोरी है। आज आपके बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए तो आप फंस गए टीम इंडिया, लेकिन 160 बना गया न्यूजीलैंड की टीम, कैसे बना गया भाई 160? आपने जो पिछला मैच देखा था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का, श्रीलंका को 116 रनों पर रोक दिया था, और उसके बाद आप 31 से मैच भी जीत गए, भारत ने 160 कैसे बनवाने दिए, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहेगा, सवाल रहेगा बड़ा। और न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग आई भाई, बॉलिंग आउटस्टैंडिंग की, उन्होंने ऊपर से विकेट चटका दिया, और नियमित अंतराल में भारत विकेट खोता चला गया, 11 पर 1 हो गया, 28 पर 2 हो गए, धीरे धीरे देखते ही देखते 70 तक इंडिया के 5 आउट हो गए, और उसके बाद बैटिंग इंडिया की दिक्कत है ही है। तो टॉप ऑर्डर जिसे आने वाला स्मृति मंधाना हो, चाहे शेफाली वर्मा हो, हरमनप्रीत को, इन तीनों में से अगर कोई एक बड़ी पारी खेल दे तो इंडिया काम हो जाता, लेकिन दोनों तीनों में से किसी ने भी एक बड़ी पारी नहीं खेली। तो फील्डिंग भी अच्छी करनी होगी, बैटिंग भी अच्छी करनी होगी, बॉलिंग भी अच्छी करनी होगी, तभी जाकर आप पाकिस्तान को हरा सकते हैं। वैसे इंडिया वर्सेज पाकिस्तान की जहाँ तक बात है भाई, भारत पाकिस्तान को भी ऐसा होता नहीं है कि पाकिस्तान भारत को हरा दे, बहुत ही रेयर है, बट कहीं ना कहीं भारतीय टीम कहीं ना कहीं हौसला लेकर आना होगा, इस टीम में एक कॉन्फिडेंस लेके आना होगा, चलो कोई बात नहीं, एक हार गए बट आगे हम पाकिस्तान आपको हरा सकते हैं। वैसे इंडिया में एक पोटेंशियल है, वो काबिलियत है, वो मादा है, लेकिन पाकिस्तान का हौसला इस वक्त सातवें आसमान पर, बिकॉज वो न्यूजीलैंड को, माफ कीजिएगा, श्रीलंका को हरा कर आई है। तो ऐसे में भाई पाकिस्तान को गलती से भी हमें मौका नहीं देना है, और हमें चौकन्ना रहना होगा, टीम इंडिया को अच्छा खेल खेलना होगा। अगर अभी मेरा मानना दोस्तों कि ठीक है एक हार हुई, कोई बड़ी बात नहीं है, एक वेकअप कॉल भी आप कह सकते हैं इसको, लेकिन भारत अगर एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेला तो फिर मुझे लगता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान को आसानी से हरा सकती है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय इस मैच को लेकर, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन इंडिया वर्सेज पाकिस्तान वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट इस वक्त संडे को आएगा, और इस मैच की पूरी हाईलाइट्स, पूरी कवरेज आपको कहाँ मिलेगी? ओनली ऑन न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।